रखना है, उसके बाद फिर हम उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। पहले से हेलो भाई क्या आप सुन सकते हैं, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। हेलो भाई क्या आप सुन सकते हैं, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। उसके बाद हम इसके शोल्डर को टैपिंग करेंगे। हेलो भाई क्या आप सुन सकते हैं, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। हेलो भाई क्या आप सुन सकते हैं, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स चेक करेंगे ब्रीथिंग का सर। नहीं पहले आप हेल्प के लिए कॉल नहीं करेंगे, हम आपने चेक कर लिया रिस्पॉन्स, ना उसने आपसे गुफ्तगु की, ना ही आपके कंधों को झंझोड़ा, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इसका मतलब आप हेल्प के लिए किसी को कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद अब उसके बाद आप एलएलएफ करेंगे। अगर आप अकेले हैं तो खुद कॉल कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई या कोई और पब्लिक किसी भी आपके प्लेस पर आए कोई बंदे हैं तो आप उसे मैसेज दे दें, आप फौरन कॉल करें। माइस टाइम जाहिर नहीं करना, टाइम को आपने शॉर्ट करना है, बचाना है, ठीक है। कॉल किसी को भी कह सकते हैं और खुद अगर अकेले हैं तो खुद कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो आज जैसे भी हमारा सिस्टम माशाल्लाह हम आगे ऑनलाइन हो गया है, तमाम कॉल्स जो हमारी गाड़ियों वाले स्टाफ खुद ले रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा हो गया है पब्लिक का। तो उसमें आप फौरन उसको लोकेशन, क्योंकि जो कंट्रोल में बैठा होता है अगर डीजी खान कॉल जाती है तो उसको तौसे की लोकेशन समझने में टाइम लगता है, तो जब डायरेक्ट गाड़ी वाले के पास कॉल आती है तो फौरन उसको लेते हैं और लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सीपीएस स्टार्ट करेंगे, पहले क्लियर करेंगे ऐसा, ठीक है। उसके बाद ये स्टाफ में जाना है, ऐसे स्टाफ आगे स्टाफ की तरफ चेहरे की तरफ देखो, इसके चेहरे की तरफ बाजू बिल्कुल स्ट्रेट 90 के एंगल पे, और आपने कंधों का जोर लगाना है, जोर नहीं करना, हरकत भी नहीं करनी, जिसको सागे रखना है और रिकॉल भी करना है, ये ना कंप्रेस करे फिर वही रहने दो, उसको वापस खोल अपनी जगह पे आने दो, फिर दोबारा कंप्रेस करो, हाँ ऐसे, ये नहीं है, रिकॉल पूरा होना है, ठीक है। गुड, ओके, गुड शाबाश।